एक और कॉलर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, यूपी से हैं, अनिल जी। हकीम साहब से बात कर सकते हैं आप? बताएं क्या परेशानी है आपको, और आप अपनी उम्र भी बताएं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी आदाब। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, आदाब, फरमाइए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे है ना जोड़ों में दर्द है, घुटनों में, जी, करीब 2 महीने से। 20 दिन हो गए लेते हुए, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा है पैरों में। अच्छा, कितना फर्क हुआ है? अभी थोड़ा 5% के करीब लग रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आप दवा ले रहे हैं, ये यूनानी दवा है, यानी जड़ी बूटी की दवा है, और आपको अगर फ़ायदा शुरू हो गया है, जैसे ये 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, किसी को 10 दिन बाद तो फ़ायदा शुरू करती है, तो ये वो दवा नहीं है कि आपने एक गोली खाई और सारा ख़त्म हो गया। और जो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, ये आपका मर्ज जा रहा है इतना। ये दर्द की दवा नहीं है जो आपको एक गोली में 1 घंटे में फ़ायदा कर दे। और भरोसा रखिए, ये 1 महीना होते होते 20-30% फ़ायदा मुमकिन है। ये दुनिया की मानी हुई दवा है, और ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं जो सब्र वाले हैं। आप बस हर महीने इसकी परसेंटेज देखें, कितना परसेंट फ़ायदा होता है। अगर आपको 1 महीने 20% फ़ायदा हुआ, तो 4-5 महीने लग सकते हैं। अगर 30% फ़ायदा हुआ, तो 3-4 महीने लग सकते हैं। किसी की बॉडी बहुत जल्दी इससे फ़वाद ले लेती है, फ़ायदे ले लेती है, किसी के थोड़ा जी वक्त लगता है। अगर आप सब्र करते हैं, तो आपको फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर मुमकिन है। लेकिन हिदायत ये कि आप अगर वो ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, वज़न नहीं उठाएं, ये 3 बातों पर आप अमल करिए, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल जी, जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आप जो दवा ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा सब्र की भी ज़रूरत है, क्योंकि यूनानी मेडिसिंस हैं, ये थोड़ा सा वक्त लेती हैं, लेकिन रिकवर होता है। एक और कॉलर हमारे साथ यूपी से ही हैं, चंद्रदेव जी जुड़ गए हैं। जी चंद्र जी, जी खैर मकदम है आपका। हाँ हकीम जी और मैडम, आप दोनों को नमस्ते। जी आदाब, आदाब। आदाब। मेरी उम्र 58 साल है, जी और मुझको सर 2 साल से प्यास बहुत लगती, पानी बहुत पीता हूँ, और रात में सर हर घंटे पे नींद खुल जाती है। तो पहले मैं पानी पीता हूँ और उसके बाद की पेशाब लिखता हूँ। तो थोड़ी प्रोस्टेट भी बढ़ी हुई है, करीब 40-42 ग्राम की है, अच्छा, और शुगर में मैं बॉर्डर लाइन पे सर हूँ। डायबिटिक नहीं हूँ पर बॉर्डर लाइन पे हूँ। ठीक है। तो सर ये प्यास वाली समस्या नहीं हल हो रही, मैं नेचुरोपैथी भी करा चुका हूँ, और आपको जब भी कभी टीवी पे देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपका तरीका बताने का बहुत अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सर। देखिए, आप हिदायतों पर ज़रूर गौर करना, चाहे दवा कोई ना खाएं, लेकिन हिदायत पर गौर ये करना है कि गर्म पानी पीना शुरू कर दें, और जब भी पिएं, जब भी मौका हो कि गर्म पानी आप पी सकते हैं आसानी से, गर्म पानी पिया करें, और 1 घंटा पैदल चलना शुरू कर दें। ये 2 बातें हैं। और गुड़मार बूटी, गुड़मार पत्ता भी कहते हैं, गुड़मार बूटी लीजिए 300 ग्राम, और मोरिंगा का गौन लीजिए 150 ग्राम। इसको खूब बारीक पाउडर बना लें, और आधा चम्मच सुबह खाने से पहले खा लिया करें, आधा 1 घंटे पहले, और आधा चम्मच शाम, और 1 घंटे पैदल चलना। अगर आप ये करेंगे तो आपकी प्यास भी ठीक हो जाएगी, और बहुत आपको फ़ायदा होगा, हाइड्रोसिल में भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और टाइट नेकर, स्किन टाइट नेकर पहना करिए, और शुगर होने से आप बच जाएंगे। अभी बॉर्डर लाइन पर हैं, तो इसका मतलब है कि ख़तरा आ गया है, दुश्मन बॉर्डर लाइन पर आ गया है, और कभी भी आप पर हावी हो सकता है। इसलिए आप इन तमाम हिदायत के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है।